नंबर एक, स्त्री का लालच। रावण ने अपने प्राण त्यागने से पहले स्त्रियों के बारे में यह कहा था कि स्त्रियां बहुत ही ज्यादा मतलबी होती हैं और वे अपना मतलब निकालने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। फिर चाहे आपको धोखा भी देना पड़े या किसी को रास्ते से ही क्यों न हटाना पड़े या किसी को अपनाना पड़े, ऐसे में स्त्रियां अपने लालच के चलते कुछ भी कर सकती हैं। स्त्रियां किसी भी लालच में बड़े ही आसानी से फंस जाती हैं और आपको भी फंसा सकती हैं। ऐसे में अब आप इस बात का फैसला कर सकते हैं कि स्त्रियों के बारे में बताई गई ये बातें किस हद तक सच है और किस हद तक झूठ। नंबर दो, अपने वचन पर वापस जाना। रावण ने यह भी बताया था कि स्त्रियां अपनी किसी भी बात से बहुत ही शीघ्र पलट जाती हैं। ऐसे में यह कभी सत्य नहीं बोलती। यही कारण है कि स्त्रियों के ऊपर काफी सोच विचार करके ही भरोसा करना उचित है। ऐसे में स्त्रियां इधर की बात उधर बहुत अधिक करती हैं। इस तरह से स्त्रियां लोगों के बीच लड़ाई झगड़े भी करवा सकती हैं। ऐसे में कोर्ट कचहरी का चक्कर भी हो सकता है। अब आप खुद ही अपने दैनिक जीवन में इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि रावण द्वारा कही गई इन सभी बातों को आप सत्य मानते हैं या असत्य। नंबर तीन, अपने पेट में राज को न रखना। रावण ने अपने प्राण त्यागने से पहले यह भी बताया था कि स्त्रियों के पेट में कोई भी राज छुप नहीं सकता। भले ही आप स्त्रियों के कितने भी सगे संबंधी क्यों न हो, वह आपका भांडा कभी न कभी फोड़ ही देती है। ऐसे में स्त्रियां गुप्त राज को आग की तरह फैला देती है। इसी वजह से कभी भी किसी भी स्त्री को अपनी गुप्त बातें नहीं बतानी चाहिए। अगर ऐसा किया जाए तो स्त्रियां हमारे विनाश का कारण कभी भी बन सकती है और यह बात बिल्कुल सत्य है। नंबर चार, किसी के जाल में फंसना। रावण ने स्त्रियों के बारे में चौथी बात यह बताई है कि ये किसी के भी बहकावे में बड़े ही आसानी से आ जाती हैं और किसी के भी जाल में फंस जाती हैं। फिर चाहे वह एक मर्द हो या कोई औरत, ऐसे में दूसरों की बातों में आकर स्त्रियां अपने ही घर का विनाश बड़े ही आसानी से कर लेती हैं। स्त्रियां जब क्रोध में आती हैं, वह सामने वाले को कभी नहीं छोड़ती, फिर चाहे वह उसका पति ही क्यों न हो।